सोजा जीत के नी देखे ही ना कहा नहीं कहा बिछू और कहा पुनाणो कहा कुछ ना पूरा मर जा मर जाओ जा। बाबा कहाँ तक दे वोट बूढ़े तो वोट दस लो या मिलियास लो चौधरी आजाद मोहम्मद डिप्टी स्पीकर बना था, एक हमारे गांव की जीप का चालान काट दिया था, बहुत दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं। जीप का चालान काट दिया तो उसने जाके ऐसे चालान को फाड़ दिया था। ये वो अजमत के जी जो दम पे भी काम कराते हैं और अपने घर से भी काम कराते हैं, विकास कराते हैं जी। टिकट और किसी को मिल जाता ना उसको वोट मिलती जी, यहाँ कांग्रेस को वोट मिलती है यहाँ, लेकिन इलियास को वोट नहीं मिलती, चेहरे को वोट नहीं मिलती। इलियास जेलदार भी तो आपके गांव को जेलदार को जब इसको टिकट लिया जेलदार जेलदार को वोट मिल जाएंगे। क्या किया इसने पता, इंशाल्लाह तारी काम हो जाएगा, ऐसा हाथ हो जी आपको इंशाल्लाह तारी काम हो जाएगा जी पेट पे। हाँ जी 51,000 रुपए की माला डाली जी, बाकी यहाँ अपनी गाड़ी तरी सगी तीना पहुंचाई जी हमारे संग। भैया नेता तो काफी है बट यहाँ ना ज्यादातर हमारे गांव में हिंदू समाज और मुस्लिम समाज अब के रईसा को ज्यादा पसंद कर रहा है। उसका रीजन एक है, जो जनता एक विधायक चुन के भेजती है विधानसभा में, उसकी यही मेन वो रहती है कि वो उस विधानसभा की जो जनता है उसकी आवाज उठाए विधानसभा में। आप इसकी एक भी उसको बता दो विधानसभा में अगर इसने कोई भी अच्छी बात कही हो, सिवा भजन गाता है गाना गाता है कोई, ये विधानसभा में अच्छी शोभा देती है इसकी। कौन उन नेता को वोट दे रहे घर के, रईसा की दे रहे ऐसा क्यों भाई रईसा को, जब अब जेलदार जब टिकट ना मिलो ना मिलो तो भाई इलियास देव टिकट मिल गो कहीं कोई खराबी कहीं ना देनी कसम खाली के। अच्छा रईसा को, रईसा ने अच्छा काम किया है, पिछली बार हमने इलियास को वोट दी थी उसने कुछ काम ही नहीं किया बिछोर विकास में, और संचौध में रईसा बना था उसने हमारे जमींदारों को विकास करा, नाले पे झाल वगैरह बनाई है, बहुत विकास हुआ। बाबा ठीक ठाक भी है? हाँ ठीक। कौन नेता पसंद है? रईसा ही है। अच्छा चलिए आप बताएंगे भैया जी कौन नेता पसंद? 5 साल में जी ये आप ये बताओ 5 साल में इलियास ने क्या काम करा? आप सरकार नहीं थी भाई, सरकार नहीं थी तो सुनने को मिलता है। अरे सरकार नहीं थी तो ग्रांट तो मिलती उसके पास, ग्रांट तो मिली उसको, नहीं मिली क्या? फिर नहीं लगाया तो फिर क्या करना? और भाई मैंने जब से 5 साल में उसको वोट दिया, मैं उसका वोटर था हमारा, मैं उसका खुद वोटर हूँ भाई। वो अपनी बच्ची को देखने के लिए नहीं आता इधर मेरे गाँव में, उसकी लड़कियां यहाँ पे 2-3, उसको उनकी हंसी खुशी में नहीं आता वो, हम उसके लगते क्या है जी आप ये बताओ। चलो ठीक है ये भी छोड़ दो बात, आपने लगभग पुनाणा विधानसभा में जो भी गांव है सब में आप जाते हो आते जाते हो, आप ये बात बता दो कहीं इसने कोई विकास कराया, कहीं कोई खड्डे भराए? ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कर पाया, वो कर कहते हैं कि हमारी भाई सरकार नहीं है। ठीक है सरकार नहीं, ग्रांट तो आ रही है उसके पास, आ रही है कि नहीं ये तो सबको पता है भाई, 25 करोड़ रुपए आए हैं उसके पास, बताओ उसने कहाँ यूज किए हैं? आप ये पिलंगवा से ये होटल तक रास्ता देख लियो आप भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ ठीक है आप किसी को वोट दो, लेकिन जो हमारे काम आए, हमारे को जो इज्जत दे, हमारे बीच में जो बना रहे उसको वोट दो, ताकि ऐसे आदमी को वोट मत दो। और रहा बात यहाँ का रईसा खान का, इधर से 75% यहाँ से रईसा खान है, बाकी 25% में सब नेता है, चाहे उसमें दया बढ़ाना है चाहे टिकट है, किसी का कुछ नहीं है। टिकट का यहाँ इतना प्रभाव कुछ नहीं है क्या? नहीं कांग्रेस कर रहे भाई, अब भी कांग्रेस का ही तो आदमी हो, अभी भी तो वो टिकट से लड़ा है, अब क्या विकास कराया उसने ये बताओ आप, कैसे उसको टिकट को वोट दे दे? कुछ अभी कुछ विकास कराया है? मैं कहना चाह रहा हूँ हमारी रईसा खान के लिए मजबूरी है देने की, क्योंकि टिकट हमारे किसी नए चेहरे के लिए मिलता, मान लो इरशाद के लिए मिलता, इरशाद चेयरमैन के लिए मिलता, हिल दिल से देते सब टिकट पे कांग्रेस के जी जान से, कोई दिक्कत नहीं, जब बार बार उसी के लिए टिकट, बार बार उसी के लिए भाई चेहरे वो रही है। इलियास जब जाता है थाने में, एक हवलदार जब गेट पर रहता है ना उसको वो नु कहता है सलाम जनाब, तो वो तो अच्छी बात है ना किसी का सम्मान। अरे भाई वो विधायक हो गए यार, ये सम्मान ऐसा कैसा था, हवलदार को सलाम कर रहा है, और हमारा यार भाई हमारे बीच जो हमारे काम आ रहा है, हमारा जो विकास करा रहा है, हमारे जो काम आ रहा है,
रात को जो हमारे काम आ रहा हम उसके संग लगेंगे ना यार भाई। उसको उसको वो तो एक घंटे में कोठी में अंदर सो रहा है, उसके बच्चे और लड़के बोलते हैं कि भाई वो चंडीगढ़ गया है, तो हमारे क्या काम आ रहा है जी वो, ये बताओ आप। चलिए चलिए, इसलिए आप लोगों की बात सुना। मैं एक बात बता रहा हूँ, जब एक बार आजाद चौधरी आजाद मोहम्मद डिप्टी सबकर बना था, एक हमारे गांव की जीप का चालान काट दिया था, बहुत दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जीप का चालान काट दिया, तो उसने जाके ऐसे चालान को फाड़ दिया था। ये वो अजमत के हैं जी, जो दम पे भी काम कराते हैं और अपने घर से भी काम कराते हैं, विकास कराते हैं जी, ये वो अजमत के हैं। ऐसा वैसे अगर मेवात की बात करें तो इतने हाँ बाबा तबियत ठीक है बढ़िया। अच्छा कौन नेता पसंद है? हमारी आवाज रही था खान पे, आपके अलग भी तो हो सकते हैं। अगर आपसे अगर बूझे कांग्रेस भी बढ़ाई फ्री नाथ खवारी फ्री नाथ खवारी ग्राम दे रही बीजेपी, बीजेपी ने हमारे हक की ना खाओ, हक की मुसलमान को कांग्रेस ने खाओ। अगर और पहले जाए इंदिरा खागी राजीव ने मस्जिद तोड़वाई और जो भी अत्याचार हमारे साथ मेवात में हो रही कांग्रेस का, अगर असलियत अगर रही सर टिकट मिल जाने हम कांग्रेस को देते, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है रही सर। जब आप यूं बता नए चेहरा मिलता तो नए हल देते रिपोर्ट। हां नए अगर कोई बढ़िया साफ सुथरा बालक हो तो ना नए देते, नए देते। अच्छा अब इलियास टिकट मिलो तो यहां बात देते वाले वोट भी दिया हमारे बड़े बूढ़े ने। सोजा जीत के नहीं देखे ही ना कहा नहीं कहा बिछोर कहा पुनाणो कहा कुछ ना पूरा मर जाओ जा। चलिए लगातार आप हमारे साथ देखते रहे। हाँ जी कौन नेता पसंद है पुनाना से? भैया नेता यहाँ रईस खान को ही ज्यादा वोट मिलेगा करके कोई प्लान बना क्यों यहाँ पहले इलियास ने कोई काम नहीं किया है, 5 साल जो सरकार चली है उसमें कोई काम नहीं किया है, लोग बाग परेशान है, इसलिए रईसा को ही दोबारा से चुनने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हाँ बाबा नए नए नजर आ रहे हैं। बाबा कहाँ तक दे वोट, बूढ़े तो हो गए वोट कस लो या इलियास लो। अच्छा और कुछ रहा वो भी बूढ़ा पड़ो ना टिकट मिल को कांग्रेस को अरे वाले टिकट है वाले टिकट टिकट मिल को कहा करो कांग्रेस हवा चल रही है कांग्रेस की कितनी गद्दारी मुसलमान साथ करी कांग्रेस सरकार ने करी है बीजेपी ना करी आज तक भी बीजेपी बढ़िया बीजेपी बढ़िया कांग्रेस वाले तो कहे बीजेपी ने मतलब भाईचारा खराब करो करो माँ छरंग दफड़प तक भी शरीर में ना जा रहे कांग्रेस सरकार के बीजेपी सरकार जानना चाहिए लाइट 24 घंटा आ रही है क्या बात सही कर रहे पता को कौन कहे बस कांग्रेस सरकार में लाइट आई पहले यूँ बताओ आप बीजेपी के समर्थक हो कि निर्दलीय के निर्दलीय के ये बीजेपी की बड़ी तारीफ कर रहे हो और टिकट क्यों कर रहे हो टिकट कांग्रेस लहरा रही कांग्रेस लहरा हाँ बाबा इलियास के बता इलियास इलियास विधायक रहे हो खूब काम करवाए मैंने खूब रोड मचाई रागणी तक गई सभा में खूब देख बाल इलियास को वोट दिया पहले साल इलियास को वोट दी पहले प्लान में रही साहब बना दी इलियास को वोट दी बाकी बना दें रही साल देंगे कहीं लू कुछ करे ना कांग्रेस टिकट मिलवा लूं शिकल शिकल ना देखो मतलब फोटो में बेशक देख रहे इलियास आज तक भी ना देखो देखो टिकट और कर अच्छा टीवी में देखे टीवी में देखे तो बाबा इतनी नाराजगी कहीं हुए कुछ करे ना हमारे खेत सूख जाए और आधा पानी रुकवा दे रही शान झाड़ लगवाइए तिरपन भाई रहे पानी जब रही कैंडिडेट रहे चलिए एक और बाबा आए हैं बाइक से नेताजी ठीक ठाक हैं ठीक ठाक है लीले एकदम कुर्ता मार के बढ़िया ठीक ठाक है बताइए कौन पसंद है पुनाना भाई रही सा पसंद है जी हाँ सही सही रही सा ने है जी इलियास को वोट देते आए हैं पहले से बताओ बिछोर में चलो हम ये आखिरी बात करें बिछोर में कितनी वोट ले जाएंगे कौन नेता कितने ले जाएंगे इलियास में तो रही सा एक तरफा ही रहेगा जी टिकट और किसी को मिल जाता ना उसको वोट मिलती जी यहाँ कांग्रेस को वोट मिलती है यहाँ लेकिन इलियास को वोट नहीं मिलती चेहरे को वोट नहीं मिलती इलियास जेलदार भी तो आपके गाँव को जेलदार जब इसको टिकट लिया जेलदार जेलदार को वोट मिल जाएंगे लेकिन ये आपने ये बात कही है कि भाई अगर नए चेहरा को चाहे कोई भी होता इब्राहिम इंजीनियर साहब का या सात चेयरमैन कोई भी होता वोट मिलते उनको। अच्छा हाँ जी ये इलियास को वोट नहीं मिलते मजबूत रहता है आप लोगों का। चलिए अभी तो वक्त नहीं मिलते जी। हाँ आसू लगभग 5 साल या 10 साल पहले जी मेरे चाचा
रेवाड़ी में पकड़ लिए थे। तो इलियास जब उस टाइम मंत्री था जी, आज से लगभग 10-15 साल पहले, तो ये बुलाया हमने, इसका स्वागत वागत किया। तो क्या किया इसने पता, इंशाल्लाह तारी काम हो जाएगा, ऐसा हाथ हो जी आपको, इंशाल्लाह तारी काम हो जाएगा जी, पेट पे। हाँ जी, 51,000 रुपए की माला डाली जी, बाकी यहाँ अपनी गाड़ी तरी स्थगित ना पहुंचाई जी, हमारे संग मिलन लोग गए हम, काम ना जी, कोई हमारे चाचा जी 6 महीना में जमाना नहीं, दुख सुख में वो व्यापार करते थे वहाँ पर, दुख सुख में नहीं आता किसी में, किसी क्या करो दुख सुख, अरे अपनी सिस्टर इसकी दो लड़कियां यहाँ पे, एक के पास नहीं आता, मेरे पड़ोस में इसकी लड़की है, इसकी लड़की भी ये बोलती है, अब उनकी तो मजबूरी है जी वोट देने की। चलिए चलिए, देखिए लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और यहाँ जो रास्ते से गुजरे उन लोगों से बातचीत करें। क्या नाम भैया? विष्णु शर्मा भैया। शर्मा कौन पार्टी कौन नेता भैया? भैया नेता तो काफी है, बट यहाँ ना ज्यादातर हमारे गांव में हिंदू समाज और मुस्लिम समाज अब के रईसा को ज्यादा पसंद कर रहा है। उसका रीजन एक है, जो जनता एक विधायक चुन के भेजती है विधानसभा में, उसकी यही मेन वो रहती है कि वो उस विधानसभा की जो जनता है उसकी आवाज उठाए विधानसभा में। आप इसकी एक भी उसको बता दो विधानसभा में अगर इसने कोई भी अच्छी बात कही हो, सिवा भजन गाता है गाना गाता है कोई, ये विधानसभा में अच्छी शोभा देती है इसकी, ये विधायक है आखिरकार, इसलिए हम इससे बहुत नाराज है, यहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है। इसने आज तक इतना झज्जर हुआ पड़ा है पुराना वाला रोड, आए दिन उस पर एक न एक दिन एक्सीडेंट होते हैं, हम भी जॉब करते हैं डेली, इसको रोजाना पब्लिक गाड़ी देती है, ये बहुत वैसा नेता है। यहाँ सरकार नहीं थी और विपक्ष में हम लोग थे तो जो सरकार, भैया आप बताओ, विधायक रहता है उसका ग्रांट आता है ना पुनाणा का 25 करोड़ प्लस ग्रांट आया है, अगर इसने 5 करोड़ रुपया भी लगाया हो पुनाणा विधानसभा में, मैं आपके साथ चलता हूँ, चलो मैं इसकी वोट दूंगा, अगर इसने लगाया हो तो इसको वोट हम कैसे दे दे बताओ। चलिए एक भगवान है जिन्होंने बहुत ही बड़ी बात ये कही है कि अगर उन्होंने विकास कराए हैं तो हम जरूर जो है बातचीत करेंगे और उनके हक में बात करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, इस वक्त आप देख रहे थे DTV और DTV पर आज इन लोगों ने जो बातें बताई उनमें ये भी बताया कि अगर एक नए चेहरे पर कांग्रेस भरोसा जताती तो शायद हम जो है उधर मुड़ जाते, लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही रिपीट किया है अपने पुराने चेहरे को तो हम उसी तरह जिस तरह अभी पासी की विधानसभा कामा में नजर आया था इस तरह का हाल यहाँ नजर आ सकता है। इस बात का भी उदाहरण उन लोगों ने दिया है। उन लोगों ने यह भी बताया कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी नए चेहरे के साथ नजर आती तो शायद हम लोगों का जो मन है वो बदल जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अगर मन नहीं बदला तो हम लोगों का मन जो है अब किसी और नेता और रईस खान के साथ वो लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि लगभग 70% जो है इस गांव से यानी कि बिछोर जो है वहां से 70% में रईस खान रहने वाले, कुछ ज्यादा भी बताया। कुछ लोगों ने नाराजगी जताई कांग्रेस पार्टी के टिकट मिलने के बाद बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर नौजवान चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी नजर आती तो शायद हम लोगों का मन अच्छा रहता और यहाँ से टिकट भी निकल सकता था। जब उन्होंने ये उदाहरण दिए कि पासी के विधानसभा में जैसे ही वहां पर रिपीट किया गया, 5 साल यहाँ से विधायक रहे हैं इलियास लेकिन कुछ नजर नहीं आया, काम नहीं करवाया, ना ही वो कहीं जाते आते नजर आए, तो उनका जो यहाँ ना आना उन जनता के बीच में अभी विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इसी वजह से उठे। लगातार आप हमारे साथ देखते रहे, कैमरा पर्सन इस्माइल मनान के साथ मैं आपको अपना जी कोली DTV न्यूज।